सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को शिव मंदिरों पर भक्तों का हुजूम देखा गया। गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में शिव भक्तों ने नंदी बैल और भगवान की पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर शिव शंभु भोलेनाथ की आराधना की और मन्नतें मांगी, जिसके संबंध में पुजारी धनंजय कुमार मिश्र ने कहा कि मानसरोवर मंदिर 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि सावन का अंतिम सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में आया है। इस दिन जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुजारी धनंजय कुमार मिश्रा ने कहा। करते हैं कलयुगी है, प्रथम चरण जम्मू दीपे है, भारतवर्ष है, आर्यावर्ती पूर्व प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गोरक्षपुर क्षेत्र है, गोरक्षनाथ मंदिर है, मानसरोवर मंदिर है, प्राचीन शिव मानसरोवर देवता रुद्रेन लघु अभिषेक अहम धनंजय कुमार मिश्रा, धनंजय कुमार मिश्रा, बहुत लाभ मिलेगा। आज शिवास है, आज सोमवार के दिन शिवास का तिथि होता है। आज शिवा शंकर जी का आज रुद्राभिषेक करने पानी को अभिष्ट सिद्धि का शिवास है। आज बहुत फल मिलेगा। आज भी सोमवार जो रुद्राभिषेक करेंगे, जो लोग पूजन करेंगे, आखिरी सोमवार है और अंतिम सोमवार है। आज अंधार नक्षत्र है, जो पूरे महीने में बहुत बढ़िया नक्षत्र है। आज के दिन पूजा करें, सब कुछ मनोकामना पूर्ण होगी। आज सफलता भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी। पूरे महीने में 27 नक्षत्रों में एक अंधार नक्षत्र होता है, वो आज के दिन है। और आज जो भी लोग पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, संग जल चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना जरूर पूरा होगी। आज वैसे भी लोग सावन में पूरा पूजा किए, हाँ पूजा तो रोज करेंगे। कितना बहुत लाभ मिले तो अभी सिद्धि है। तो 5000 साल पुराना मानसरोवर मंदिर है। यहाँ जो लोग पूजा करते हैं उनको लाभ तो मिलता ही है, तत्काल लाभ मिलता है। यहाँ तो कोई पूजा करिए, किसी मनोकामना जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। और ये प्राचीन मानसरोवर है, ये पूरे 5000 वर्षों का पुराना है। हमेशा जग अनुष्ठान चलता रहता है, पूजा पाठ चलता रहता है। इसका बहुत लाभ है। भगवान शिव की पूजा की जाती है तो कुछ मान्यता भी होगी? हाँ, बहुत मान्यता है। ये रजमान्त के जमाने का मान्यता है। यहाँ जो भी पूजा करते हैं वहाँ पे उनकी सफलता मनोकामना होती है। और आपरूपी निकले हुए हैं शिवलिंग यहाँ पे पूरे गोरखपुर में आपरूपी, और चूंकि गोरखनाथ मंदिर से रिलेटिव है यहाँ पे, तो इससे सफलता मिलती है। गोरखनाथ बाबा यहीं पे आकर के तपस्या किए थे, तो सफलता मिलती है। यहाँ पे जो भी पूजा करना मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है।